आज हम लोग जा रहे हैं बाबू सर टॉप, और मैं तो काफी देर हो गया इधर खड़ा हूँ, बाहर खड़ा था, अभी अंदर में एटीएम में आ गया हूँ, तो यहाँ पे लगा हुआ है एसी, बाहर गर्मी थी। तो हमारे साथ जुड़े रहे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भैयो फाइनली आ गए हैं, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं एक और दोस्त का, वो कह रहा था मैं 5 मिनट में आता हूँ और हमें 15 से 20 मिनट हो गए यहाँ खड़े हुए। तो भैयों को बहुत गुस्सा आया हुआ, भैया आपको कैसा लग रहा है जी? मेरा जी सुबह 5 बजे के हम घर से निकले, मेरे ऊपर से 9 होने वाले और अभी तक हम सिटी में खुआ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये इनकी शक्ल भी देख लें आप, ये बहुत गुस्से में जी, कहते हैं आ जाए तो नहीं छोड़ते जी। तो हम लोग अभी नारायण कागान से 50 किलोमीटर पीछे हैं, तो ये स्वामी भाई स्नैप्स वगैरह बना रहे हैं, और वहाज और ये और हरेरा गए हैं, ज़रा इनको काम एक था। यहाँ पे भाई मौसम बहुत ही मज़ेदार है, तो ये स्वामी भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? मेरे आप सब व्यूअर्स को यही मशवरा है, आप आए नारायण कागान, बहुत अच्छी जगह, आप इंजॉय करेंगे, बस आपकी गाड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, बाकी आप पार्क व्हील से आपने जो है ना रजिस्टर्ड करवा लेनी है, बाकी तो आप अपनी गाड़ी चेक करवानी है पहले, ए टू जेड सब कुछ, ताकि आप यहाँ आकर ख़राब ना हो, यहाँ पे आपको मैकेनिक नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, थैंक यू। और यहाँ पे भी हम आपको दरिया वगैरह दिखाएं, तो दरिया से ही ठाठे मार रहा है। ये देखें जैसे कि ये दरिया है और ये दरिया बहुत तेज है, और जैसे ये हमारे साथ भाई हैं और हेरा मलक, आज इधर आ जाओ जी, वो जरा दरिया को रवानी दे रहे हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो ये आ जाओ आप जी, आज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से, आपको कैसा लग रहा है? ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आउट क्लास जा रहा है, और यहाँ पे मौसम कैसा है? ये भाई तो हाफ शर्ट पहन के आए थे, कह रहे थे भाई गर्मी है। चलो जी, तो जैसे देखें जी हमारी गाड़ी गर्म हो गई हुई है। तो नारायण कागान जाते हुए आपने कभी ऐसा ड्राइवर नहीं देखा होगा जो आज छोड़ के ड्राइविंग कर रहा है? ये भाई देख ले, ये टैलेंट हमारे मोहतरम जनाब आज कोकर साहब ने हमें बताया था, ये इनने ऑटो मोड पे लगा दी हुई है गाड़ी, और ये अब जा रहे हैं जी, ये ऑटो मोड खत्म हो गया। चलो जी, ये देखें जी, ये भाई सोए हुए थे और नींद पूरी की है, काफी देर हो गई है हमें, 5-6 घंटे हो गए हमें घर से निकले हुए, हालत खराब होती जा रही है, और खराब हो गया है, आंखें देख लें आप। नारायण कागान आगे में, यहाँ कहते हैं नारायण कागान सिटी, भाई यहाँ तो बड़ी सर्दी है, हमें तो बड़ी सर्दी लगी हुई है। तो ये आप देख लें रेस्टोरेंट्स वगैरह, भाई यहाँ पे तो बड़ी सर्दी है यार। तो अभी हम लोग इधर रुके थे, तो यहाँ पे तो लगी हुई है बारिश नीचे नारायण में, और वो पीछे बर्फ़ भी पड़ रही है, यहाँ पे भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ बारिश भी लगी हुई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे रूम में, रूम को भी आपको हम विज़िट करवाते हैं, उठा दी थी हमने बोतल, चले हम आपको रूम में लेके चलते हैं, अपने व्यू देख लें भाई, ये ऊपर बर्फ पड़ रही है जी, ये हम लोग नीचे उतर गए, रुको भाई मेरा सामान भी है।
तो हम लोग आगे में रूम में, और ये देखें जी, इनने पहले जगह मल ली हुई है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। तो अभी हम जरा चेंज वगैरह कर लें। ये देखें, ये कह रहे हैं हमें भी लेके आओ। तो अभी हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए हैं, बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं। तो आगे आगे चलें, हम आपको दिखाते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सीनरीज दिखाएंगे। और अभी हमारे फ़ोन भी नहीं चार्ज हुए पूरे, देखते हैं जहाँ तक बैटरी ने साथ दे दिया। इनके बारे में आपको क्या ख्याल है जी इनको? तो अभी हम लोग आपको बाहर का दिखाते हैं, विजिट कराते हैं आपको। ये देख लें जी, ये पीछे देख लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टरबाइन इन्हें लगाया हुआ है, ये अपनी बिजली यहाँ पे पैदा कर रहे हैं। और ये देख लें नारायण कागान की खूबसूरती, वैसे तो लोग इधर नहीं आते, इतने दूर आते हैं, लेट कर गए यार बहुत ज़्यादा। आओ ना ओए, ये भी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। व्यू वगैरह ये आपके सामने है, देख लें, ये पीछे सैफल मलूक झील है। स्वामी भैया आ गए हैं, हमने आज क्या था रिक्वेस्ट हाउस में, तो ये आ गई हमारी शहजादी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर दी है, थोड़ा सा इसको गर्म कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने निकलना है बाबू सर, फिर देखेंगे हम चिलास भी जाएंगे, आपको बाबू सर का विज़िट भी कराएंगे, चिलास का विज़िट भी कराएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहना। चल जी, हम किधर जा रहे हैं? अच्छा जी, हम सफ़र की तरफ रवाना होने लगे हैं, तो दुआ कनूत साहब पढ़ लें, क्योंकि उरेरा भाई पायलट ड्राइवर हैं। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, तो हम लोग अभी लुलूसर झील पहुंच आए हैं। तो आप देख लें भाई जान, यहाँ तो लगी हुई है बारिश और हम लोग ख़राब हो गए हैं, सर्दी तो बहुत है। इधर आओ जी, पैक हो गया ना भाई, बाहर सर्दी बहुत है, बारिश का भी सीन नहीं जी, बारिश तेज लग गई है। आओ जी, अब ये रेरा वगैरह भी आ गए हैं, हमारे पैर आ गए हैं, रेरा सर्दी है। ये देखिए जी भाई, हम लोग बाहर गए थे, हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई हैं दो चार, बाहर इतनी सर्दी है कि हम लोगों के हाथ छल हो गए हैं, देख लें इनकी हालत। अभी हम बाबू सर पहुंचने वाले और यहाँ पे बर्फ लगी है, बाबू सर टॉप और यहाँ पे लगी हुई है बर्फ। ये हम पहुंच गए हैं जी बाबू सर टॉप, इतनी खड़े होने होता, चेक करो जी पीछे बर्फ लगी हुई है। चेक करो जी भाई बर्फ, इस सीज़न में मैंने लगी कुदरत है, यहाँ पे जून जुलाई में बर्फ पड़ रही है। बाद में दे देंगे पार्किंग के। सोमी तू इधर आ, तू वाड़ो। अभी हम जा रहे हैं, पार्किंग की है, बर्फ अंदर वेब चल रहा गाड़ी में, तुम्हें 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 तुम्हें। ये इधर आओ, इधर इधर ये यो। तो भाई जिसको नहीं की ना रहा वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कमी आ रही है। बाबू सर इधर आ, स्वामी इधर आ, स्वामी इधर आओ, इधर आ, इधर आ,
यहाँ पे सब लोग पागल हुए हैं कि भाई यहाँ पे तस्वीर बनानी है तो आप ही देख लें। क्या मुआगे में आज बाबू सर टॉप हो गया, आपको बर्फ की भी नजर आ रही होगी। हाँ जी क्या जी कबाब है, कबाब दे रहे जी। भाई व्लॉग के चक्कर में तो मेरा जो है ना हाथ वगैरह बिल्कुल बर्फ बन गए। परेरा पाजे की खुरी उठ रही है। आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गिलगित के लिए। अभी हम बाबूसर टॉप पे, ये मुतकी शाह साहब हैं, इनको घर से मसला है जिस वजह से ये कह रहे हैं मैं नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग तो जाएंगे। ये वाज भाई हमारे ये कह रहे हैं हम जाएंगे गिलगित, और ये है हमारे ओरेरा भाई। आप क्या कह रहे हैं गिलगित के बारे में, जाना है कि नहीं जाना? क्यों नहीं जाना जी, हम यहाँ से गिलगित हमारा कम से कम 3.5 से 4 घंटे का स्टे है, तो अब आप बाकी व्यू देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही आउट क्लास व्यू है यहाँ का। भाई बाहर बहुत सर्दी थी, हम लोग आ गए और हम लोग अब निकलने लगे हैं तो